हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बर्ड्स में गेहूं का क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि बर्ड्स में गेहूं के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर बताऊँगा। और दोस्तों, माफ़ करना, आज मैं इतने टाइम बाद वीडियो लेकर आना, असल में दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब कर लें और पास ही आई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये जावा हैं, ये मैं नई लेके आया हूँ पिछले हफ्ते संडे को। तो दोस्तों, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये कैसी हैं और ये आपको अच्छी लगी या नहीं। तो दोस्तों, मैं इन पर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अब हम अपना टाइम ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आप अभी ये देख सकते हैं, ये गेहूं है, ये मैंने भिगोए थे रात में। तो दोस्तों, आपको भी अपने बर्ड्स को देने से पहले ऐसा ही करना है, रात में अपने गेहूं भिगोकर रख देना और मॉर्निंग में अपने गेहूं को देखना है तो वो गेहूं कुछ इस तरीके से फूल जाएंगे, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इससे हमारे बर्ड्स जो हैं खाने में आसानी होगी हमारे बर्ड्स को। तो ये गेहूं काफ़ी अच्छा सोर्स होता है हमारे बर्ड्स के लिए। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है और दोस्तों इससे हमारे बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है गेहूं से, और गेहूं काफ़ी अच्छा सोर्स है हमारे बर्ड्स के लिए और इसे हमारे बर्ड्स जो हैं काफ़ी शौक से भी खाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ आपको इसे देना कैसे है। तो आपको इसे बढ़िया करके दो तीन बार धो लेना है। ये दोस्तों, आप देख सकते हैं गेहूं मैंने बढ़िया करके धो लिए हैं, बढ़िया करके दो तीन बार आपको पानी से धो लेना। अगर आपके गेहूं में ऐसे काले काले अगर कोई भी दाना हो तो आपको उससे बिल्कुल बाहर कर देना है, क्योंकि इससे हमारा बर्ड्स जो है बीमार भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये देख सकते हैं, ये सॉफ्ट फूड है। अगर आपके केजिस या कॉलोनी है पूरी तो आप एक ही बार में रख सकते हैं। अगर आपके मेरे तरह सेपरेट केजिस है, जिस प्रकार मैंने सेपरेट केजिस कर रखे हैं, तो आप अपने बजीज को या लवबर्ड को या कॉकेटेल को या कोई सा भी पैरेट की वैरायटी का आपके पास बर्ड हो तो आप उसे गेहूँ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब अपने सिर्फ अभी एक ही केज में गेहूं रख दे रहा हूं इस वाले में, और बाकी केजेस में मैंने सुबह सॉफ्ट फूड रख दिया था, तो मैं आपको इसमें गेहूं रख के दिखा दे रहा हूं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मेल बाहर आ गया, अब ये देखना खाने लगेगा, ये देखना अभी आएंगे थोड़ी देर में और खाने लगेंगे गेहूँ को। दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़ी शौक से खाते हैं बर्ड्स गेहूँ को, देखो वो आया खाने लगा।